दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और इस झटके के बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी वो उनके थोड़े और करीब आ गई है। आखिर हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार क्यों कर दिया, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी 9 बार अरविंद केजरीवाल को समन्स जारी कर चुकी है। पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार इन समन्स को इलीगल कहते आए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र हर बार किया है कि ईडी ने अपने समन्स में ये नहीं बताया कि वो अरविंद केजरीवाल से बतौर आरोपी या फिर बतौर गवाह इस मामले में पूछताछ करना चाहते हैं। और इसी को लेकर जब 9 बार समन्स उन्हें भेजे गए तो इसके खिलाफ चुनौती देने वो हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने इस बात को लेकर हाईकोर्ट में उनके वकील ने ये बात रखी कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जाए, यानी कि एक प्रोटेक्शन की मांग उनकी तरफ से की गई और दलील ये दी गई कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पूछताछ में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो शामिल हो सकते हैं, फिजिकली भी वो अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की श्योरिटी चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और इसी बात को लेकर लंबी बहस चली, लंबी दलील दी गई जिसमें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि इस वक्त ईडी की जो मंशा है वो साफ है क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लटक रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ये जो अभी चुनावी माहौल है उसका रुख मोड़ने की तैयारी की जा रही है और इसीलिए हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्शन दी जाए, इस बात की श्योरिटी हो कि वो अगर पूछताछ के लिए पहुँचते हैं, पेशी के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि 2 महीने के राहत की भी बात की गई कि जब तक चुनाव नहीं खत्म हो जाते तब तक भी अगर राहत दी जाए, लेकिन यहाँ उसके बाद ईडी की तरफ से दलील दी गई। ईडी ने कहा कि पूछताछ का अधिकार हमें है, हमने समन्स जारी किए हैं और जांच में सहयोग उन्हें करना पड़ेगा। हम इस बात को लेकर कुछ नहीं कहना चाहते कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हम करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि इनकार कर दिया इस बात से राहत देने में कि हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। पूछताछ अगर होती है और अगर ईडी को लगता है गिरफ्तारी करनी है तो ईडी गिरफ्तारी कर सकती है, ये दलील ईडी ने कोर्ट में दी, जिस पर जो हाईकोर्ट है वो भी कन्विंस नजर आया और अरविंद केजरीवाल को राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई और करीब आती हुई दिखाई दे रही है। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने जो भी सबूत तैयार किए हैं उसकी फाइल भी हाईकोर्ट को सौंप दी गई है और समन्स जो है वो सुनवाई योग्य है या नहीं इस मामले पर सुप्रीम हाईकोर्ट, माफ कीजिएगा, 22 अप्रैल को सुनवाई भी करने वाला है। लेकिन क्या 22 अप्रैल से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ईडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें जब लगेगा कि पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें उनसे जानकारी चाहिए, यह अधिकार हमें है कि हम गिरफ्तारी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास अब क्या विकल्प है इसे भी समझिए। अरविंद केजरीवाल अब इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर वहाँ उन्हें राहत दे दे, इस मामले पर स्टे लगा दे, तभी अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। लेकिन इस बीच में भी जब तक वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश आता है उस बीच में भी अगर ईडी चाहे तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। और ऐसा ही कुछ आपको याद होगा कि ये झारखंड में भी हुआ, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। बार बार ईडी उन्हें समन्स जारी कर रही थी, पूछताछ के लिए बुला रही थी और जब आखिरकार वो पेश नहीं हो रहे थे, आखिरकार क्या हुआ, सबने देखा कि उनकी गिरफ्तारी होती है। और ऐसा ही डर, ऐसा ही खतरा अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से फिलहाल उन्हें कोई भी राहत इस मामले को लेकर नहीं दी गई है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।